Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I am going to start GST for all of you. GST एक बहुत ही important topic है आप लोगों के examination point of view से. So today is the first class for GST. I will discuss everything जो भी basic concepts है GST से related. So I will discuss everything. आज पहला class है GST का और भी मैं इसका बहुत सारे classes लेने वाला हूँ. Okay. So today is the first class for GST. Okay. पहले मैं बता दूँ अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरा वेबसाइट से मिल जाएगा. ओके, ये पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा. ओके, तो आपको क्या करना है, आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो himanshurajanclasses.in. लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. तो मैं आप मेरा वेबसाइट पर विजिट करिए, वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीएफ बनाया गया है और हम क्लासेस भी उसी तरह से आपका लेने वाले हैं. किस तरह का आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो उसी तरह से हम आपको इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए. ओके, को जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, हर क्लासेस में मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसमें हम हर एक चीज बताऊंगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. सो एवरीथिंग आई विल गोइंग टू टेल यू. ओके, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए तो एमसीक्यू तो अवेलेबल ही है. ओके, और बता दूं कि जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं कोर्सेस तो वो विजिट कर सकते हैं himanshurajanclasses.in वेबसाइट पे. वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है. इफ यू वांटेड टू परचेस द एमसीक्यू दैट इज अवेलेबल एट ओनली ₹500. ओके, एंड इफ यू वांटेड टू परचेस द फुल कोर्स दैट इज अवेलेबल एट ओनली ₹999. ओके, ₹500 में एमसीक्यू अवेलेबल है और ₹999 में फुल कोर्स अवेलेबल है. तो फुल कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर विथ एमसीक्यू विथ नोट सब कुछ मिलेगा, ठीक है. एमसीक्यू में एमसीक्यू मिलेगा, इसमें भी एमसीक्यू में सब कुछ कवर रहेगा, ठीक है. सो आज का क्लास में हम जीएसटी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम से आपको हमेशा मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है, ठीक है. तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए. ए पीडीएफ आपको मेरा वेबसाइट से मिल जाएगा, himanshurajanclasses.in वेबसाइट पे जाइए, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा. देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट. तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स क्या है. ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग. आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन टुडेस क्लास. टैक्स क्या होता है, टैक्स है क्या, जीएसटी व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी इन इंडिया कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो जैसे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले हैं, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. जो जीएसटी काउंसिल जो बना वो बना आर्टिकल 279A में. तो आई विल डिस्कस एवरीथिंग. टैक्स का जो हायरार्की है वो डिस्कस करेंगे और फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जैसे कि जो जीएसटी लगता है तो कैसे लगता है. ओके, और थोड़ा बहुत हम आपको बेसिक कंसेप्ट ये भी बता दूंगा कि जो आईटीसी मिलता है, जैसे कि कोई एक परचेस किया फिर जो सेल किया फिर उसको सेल किया तो जीएसटी लगते रहता है, तो उसको बेसिक उसको जो मिल जाता है आईटीसी वो कैसे मिलता है, तो बेसिक ये सब चीज हम आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का, तो वीडियो को जरूर पूरा जरूर देखिएगा. और कोर्स परचेस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करिए, कोर्सेस अवेलेबल दिए himanshurajanclasses.in, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज टैक्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए टैक्स होता क्या है. जैसे हम आज जीएसटी पढ़ने वाले तो जीएसटी भी एक टैक्स है, ठीक है. तो पहले हमें जानते हैं टैक्स होता क्या है, ठीक है. सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो टैक्स को क्या बोलते हैं, इन सिंपल वर्ड्स टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. टैक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, पर टैक्स क्या होता है, जो आप अर्न करते हो, ठीक है, जो आप अर्न कर रहे हो ना, जो आप अर्न कर रहे हो तो उससे कुछ पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो गवर्नमेंट उसी पैसा से आप लोगों के लिए जो भी सोशल सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रोड वगैरह कहीं भी बनाते हैं, तो वो आप ही का पैसा से गवर्नमेंट टैक्स का पैसा से ही गवर्नमेंट ये सब पब्लिक सर्विसेज करते हैं. ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. ओके, विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज. जो आप पैसा दे रहे हो गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के रूप में, तो वही पैसा से गवर्नमेंट आप लोगों के लिए पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है. जैसे कि गवर्नमेंट को आप देखते होंगे कि जो भी रोड वगैरह होता है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, तो जो भी पब्लिक सर्विसेज जो भी होता है वो गवर्नमेंट करवाते हैं, तो उसी पैसा से करवाते हैं, ठीक है. तो सिंपली वर्ड्स आपको टैक्स का मतलब समझ आ गया कि टैक्स होता क्या है और टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेता है. ओके, तो आपको समझ आ गया. और आगे देखते हैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं, जो कि मेन डिफरेंस है क्या है
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि मैं बता दूं, डायरेक्ट टैक्स जो है इसको इनकम टैक्स बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स बोला जाता है। ओके, और अभी अगर इनडायरेक्ट टैक्स का बात किया जाए तो अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी भी है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी भी है, कस्टम ड्यूटी भी है। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं पहले कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो क्या होता है कि जैसे जो जो पर्सन अर्न कर रहा है ना, जो पर्सन अर्न कर रहा है तो उसी का पॉकेट से अगर पैसा दे रहा है गवर्नमेंट को, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है, मतलब इनकम टैक्स उसके ऊपर लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा है, द पर्सन पेइंग द टैक्स, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। देखिए जो क्या लिखा है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो पर्सन टैक्स पेमेंट कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन टैक्स पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, वो डायरेक्टली उसको उसी को बियर करना पड़ रहा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, डायरेक्टली उसी को बियर करना पड़ रहा है, जैसे जो पर्सन अर्न किया, ठीक है, तो वो जितना अर्न किया तो उसी के हिसाब से वो गवर्नमेंट को पेमेंट करता है एज ए टैक्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स में जो जीएसटी का, मतलब इनकम टैक्स में जो जीएसटी का तो अलग है, ठीक है, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों अलग अलग है, दोनों का जो टैक्स का जो मतलब क्राइटेरिया है टैक्स लगने का, डायरेक्ट टैक्सेस में अलग है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में अलग है। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो पर्सन अर्न करता है उसी को पेमेंट करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो पर्सन अर्न कर रहा है, ठीक है, पर जो पे कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो पर्सन पे कर रहा है टैक्स पर वो डायरेक्टली पेमेंट ना कर करके वो कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसे कलेक्ट करके वो टैक्स देता है गवर्नमेंट को। तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, पूरा डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप अच्छा से समझो। पहले ये देख लो, सपोज डेट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो ए पर्सन है, ठीक है, वो कुछ अर्न कर रहा है, तो जैसे कि बता दूं, जैसे कि अभी इंडिया में क्या है, इनकम टैक्स का स्लैब 2.5 लाख तक, कुछ भी टैक्स देने का दरकार नहीं है, मतलब कि एग्जेम्प्टेड में आता है, ठीक है, तो 2.5 से 5 लाख में 5% और 5 लाख से ऊपर जो होता है तो 20% टैक्सेस लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो पर्सन ईयरनिंग कर रहा है, इसका अच्छा खासा ईयरनिंग है, तो उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे क्या बोलता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, जो डायरेक्ट टैक्सेस है ना वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। क्या बोलता है कि हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे, मींस कि जो जो पर्सन को ज्यादा अर्निंग हो रहा है वो उनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि 5 लाख अर्न कर रहा है, 5 लाख से ज्यादा, मतलब 5 लाख, मतलब 5 लाख से ज्यादा, मतलब यहाँ पे रख लो 6 लाख अर्न कर रहा है, ठीक है, 6 लाख अर्न कर रहा है, तो आप ये देख लो कि 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स देने का दरकार नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक तो 5%, और 5 लाख से ज्यादा था 20%, तो आप इसको रख लो कि 2.5 तक तो कुछ नहीं है, ठीक है, मिल, और 2.5 से 5 लाख तक कितना देना पड़ रहा है उसको, 5%, और 5 लाख से ऊपर जब जा रहा है टैक्स, तो मतलब 5 लाख से ऊपर अगर जा रहा है उसका इनकम, तो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 20%। ओके, तो ये डायरेक्टली जो पर्सन है ये इसको डायरेक्टली बियर करना पड़ रहा है, डायरेक्टली इसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ना ऐसा बात नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं बताता हूँ क्या है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में, देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर, दस इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है टैक्स वो डायरेक्टली ना बियर कर करके वो फाइनल कंज्यूमर से वो टैक्स कलेक्ट करता है, और जो जो फाइनल जो कंज्यूमर होता है वही टैक्स को बियर करता है, कितना टैक्स लगता है वो फाइनली वो जो कंज्यूमर होता है वही देता है। ठीक है, ए रिग्रेसिव इन नेचर, ऑल द कंज्यूमर इक्वली बियर द बर्डन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। देखिए ये जो रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है, दैट मींस कि कोई भी पर्सन का अर्निंग कितना भी हो, सपोर्टेड कोई पर्सन अर्न कर रहा है 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लस पर है ना, मैं कोई अर्न कर रहा है 10 लाख प्लस, वो भी अगर कोई जाता है शॉप में, कोई भी दुकान में जाता है, कोई भी एक बिस्किट खरीदता है, ठीक है, ओरियो खरीदा, चाहे कोई भी बोरबोन या फिर कोई भी पार्ले जी कुछ भी खरीद रहा है, तो
उसके ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर जितना अगर टैक्स लग रहा है तो उसको भी उतना ही देना पड़ रहा है जो कि 3 लाख पर एनम करके कमा रहा है। और कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि 2 लाख रुपीज 3 लाख रुपीज ईयरनिंग कर रहा है, ठीक है, और वो भी जाकर के कोई ओरियो बॉर्बन या फिर पार्ले जी परचेस कर रहा है किसी एक शॉप में जाकर के, तो उसको भी उतना ही उस प्रोडक्ट पे जितना टैक्स लग रहा है उससे भी उतना ही बियर करना पड़ रहा है। सो इसलिए बोलता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो रिग्रेसिव ही नेचर है। और डायरेक्ट टैक्सेस में क्या था कि जो पर्सन का जितना अर्निंग था उसके अर्निंग के ऊपर जितना अर्निंग था उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता गवर्नमेंट को। तो यही होता है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस। आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, अच्छा समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी है क्या? जीएसटी है क्या? आप पूरा देखो वीडियो, समझ में पूरा आएगा। सिंपली अगर बात किया जाए, सिंपली पुट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स लिव्ड ऑन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोज्ड एट ईच पॉइंट ऑफ सेल। ओके, तो सिंपली अगर बात किया जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ सेल, जब भी सेल किया जाता है, जब भी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस टाइम गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी लगता है, ठीक है। सच जीएसटी कुड बी ऑन entire goods and services on there could be some exempted, but कुछ कुछ ऐसा चीज अभी भी है इसपे कि जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, वो ही बोल रहा है जिसको कि निगेटिव लिस्ट में रखा गया, शेड्यूल 3 में रखा गया है, ठीक है, जीएसटी का एक शेड्यूल 3 है उसमें निगेटिव लिस्ट में रखा गया कि उस पर जीएसटी नहीं लगता। जैसे कि कोई इंप्लॉयर इंप्लॉई का रिलेशनशिप है, मतलब इंप्लॉई इंप्लॉई का जो है, मतलब कोई इंप्लॉई प्रोवाइड सर्विसेज कर रहा है तो ओबियस बात है उसके ऊपर कोई भी टैक्स लेबिलिटी नहीं लगता, कोई सनेवर क्लेम है तो उस पर भी कोई टैक्स लेबिलिटी नहीं है। सो ऐसे सब चीजें हैं जो कि निगेटिव लिस्ट में रखा गया, शेड्यूल 3 में रखा गया, उस पर जीएसटी भी नहीं लगता है, ठीक है, तो ही बोल रहा है। फिर आगे देखिए क्या है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन लिए ऑफ टैक्स ऑन गुड्स, टैक्स ऑन गुड्स। देखिए जीएसटी तो ऑब्वियस सी बात है सभी चीजों पर लग रहा है, जैसे कि जो भी गुड्स है या फिर सर्विसेज है सब पर जीएसटी लग रहा है, पर जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे इंडिया में, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, सर्विस टैक्सेस हुआ करता था। मैं आपको एक थोड़ा बेसिक में बता देता हूँ एक्साइज ड्यूटी क्या हुआ करता था और सर्विस टैक्सेस क्या हुआ करता था। मैं बता दूं जैसे कि जो जैसे कि आप देख रहे हो अभी जो जीएसटी है, ठीक है, तो जीएसटी में क्या होता है कि जो इसमें जो रेट लगता है ना वो एचएसएन कोड में जो इतना लिखा है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन को बता दूं, एचएसएन का जो फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन, तो एचएसएन में जितना रेट लिखा रहता है उतना का रेट ही लगता है जीएसटी में, मतलब जीएसटी में मतलब किस जीएसटी का किसी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। पर एक्साइज ड्यूटी क्या हुआ करता था कि जीएसटी एक्साइज ड्यूटी में क्या हुआ करता था कि कोई भी चीजों का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस कर रहा था जिस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या प्रोडक्शन हो रहा है वो उसका एक्साइज में एक सीटा हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। तो सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में जितना रेट लिखा रहता था तो उतना ही रेट ऑफ टैक्सेस लगता था एक्साइज ड्यूटी में, तो एक्साइज ड्यूटी लगता था प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर। ओके, तो आई होप सो कि यू विल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड इट। ओके, आगे देखिए एक और हुआ करता था पहले सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्सेस क्या हुआ करता था कि जो भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे तो उनके ऊपर सर्विसेज टैक्स लगता था, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या बोलता है, जीएसटी जस्ट लाइक स्टेट लेवल वैट व्हिच इज लिव्ड एज टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। ओके, आगे देख लेते हैं, इतना आपको समझा गया होगा। अब देखते हैं जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी एक कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है या फिर कंजम्पशन कर रहा है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का थ्रूआउट इंडिया पे, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, ठीक है। कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज कुछ भी प्रोवाइड करता है, सर्विसेज रेंडरिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर गुड्स को सेल करता है, कुछ भी करता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलता है कि जीएसटी टू रिप्लेस टैक्सेस लिव्ड बाय द सेंट्रल। और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो टैक्सेस था जैसे कि सेंट्रल एक्साइज था, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी था वो रिप्लेस हुआ, उसके बाद सर्विस टैक्स था, वैट था, जीएसटी था, सो बहुत सारे टैक्सेस पहले हुआ करते थे, तो जीएसटी आने के बाद ऐसा टैक्सेस नहीं रहे, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसा चीजें हैं जिसपे एक्साइज लगता है पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जीएसटी ही लग रहा है हर जगह, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड मतलब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन 101वां अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 101 अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 101वां अमेंडमेंट किया गया 2016 में, उसके बाद ही जीएसटी आया है, ठीक है। द जीएसटी इज गवर्न्ड बाय जीएसटी काउंसिल, जो 101वां जब अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो फिर जीएसटी को लाया गया, तो उसी टाइम जब जीएसटी को लाया गया तो सोचने में सब लोग पड़ गए कि जब जीएसटी आ रहा है तो उसको कौन लोग उसको देखभाल करेंगे, ऑब्वियस बात है ना, कोई भी एक
कोई भी एक जैसे कि जीएसटी एक एक्ट आ रहा है तो उसको देखभाल करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कोई भी एक लोग होना चाहिए एक प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके लिए भी जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जीएसटी काउंसिल बनाया गया। तो उसका जो चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल का, उसका चेयरमैन, उनका चेयरमैन का नाम है, कौन होते हैं चेयरमैन का, कौन होते हैं चेयरमैन, चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल का, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वही होते हैं चेयरमैन जीएसटी काउंसिल का। मैं आपको थोड़ा एक ओवर भी बता देता हूँ जीएसटी काउंसिल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा देखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन में जीएसटी को, जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा जो जीएसटी काउंसिल है इसका जो आर्टिकल है वो कितना है, 279A, यह ध्यान में रखना, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, 279A जीएसटी काउंसिल होता है। ये पूछते आपको एग्जामिनेशन में जो जीएसटी काउंसिल है उसका, उनका जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप ये ध्यान में रखना, ये चीजें आप ध्यान में रखना। ओके, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिस, इसमें बता रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा और जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड में बता दूं, जीएसटी काउंसिल का जो है कोरम होता है मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट होना चाहिए, तो मिनिमम यहाँ पे कम से कम 50% लोग प्रेजेंट होना चाहिए। जब भी एक जीएसटी काउंसिल का जब मीटिंग होता है तो एटलीस्ट 50% लोग मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाकर के वो मीटिंग लगेगा कि हाँ मीटिंग होने हो सकता है, क्योंकि तभी जाकर के लगेगा ना कि जो कुछ लोग पहुंचेंगे तभी तो मीटिंग करोगे ना, ठीक है। तो एटलीस्ट 50% लोग को पहुंचना चाहिए, कम से कम कंपलसरी है 50% लोग पहुंचेंगे तभी जाकर के मीटिंग वैलिड माना जाएगा, कोरम माना जाएगा, ठीक है। 50% होना चाहिए कोरम के लिए। उसके बाद क्या होता है, कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए, कोई भी एक डिसीजन तभी लेंगे जीएसटी काउंसिल वाले, ठीक है, कोई भी एक डिसीजन को फाइनल तभी करेंगे जीएसटी काउंसिल वाले जबकि कम से कम 3/4 वोट इन फेवर आएगा, तभी जाकर के वो फाइनल होगा, ठीक है। उसमें की, उसमें भी क्या है कि 1/3 जो वोट रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आई होप सो कि यू विल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड इट। वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा, फिर से बैक करके देखिएगा ताकि आपको फिर से सुना सुनो और बार बार वीडियो को देखो, यू विल प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड इट, आई होप सो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस एक पहला कंट्री है, ठीक है। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन 1954। बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है कि जीएसटी पहली बार कौन सा कंट्री था जो कि अपने देश में लागू किया, तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन ईयर 1954 में वो लागू किया था। उसके बाद देखिए प्रेजेंटली अभी बात किया जाता, अभी कम से कम 160 कंट्री में जीएसटी लागू कर दिया गया है। ओके, जीएसटी को अडोप्ट कर लिया गया, ओके, और इसमें भी जो ड्यूअल जो जीएसटी मॉडल है वो इंडिया में है, ठीक है, एक कनाडा में भी है, ठीक है। कनाडा है डुअल जीएसटी मॉडल। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से आएगा कि जो इंडिया में जो जीएसटी, इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल जीएसटी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल जीएसटी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपको ऑप्शन में रहेगा सिंगल जीएसटी, डुअल जीएसटी, ट्रिपल जीएसटी, ट्रिपल जीएसटी मॉडल, मतलब इस तरह का आपको ऑप्शन में रहेगा। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंडिया में जो जीएसटी है वो डुअल जीएसटी मॉडल है, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये भी पड़ेगा कि जो इंडिया में जो जीएसटी डुअल जीएसटी मॉडल है वो कौन सा देश से लिया गया, कौन सा देश में इससे पहले था जिसको अच्छा देख करके इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इसी तरह का इंडिया में भी लागू करना चाहिए, तो कनाडा में ऐसा था, ठीक है। तो ऐसा चीजें आप ध्यान में रखना, जो मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके बारे में मैं देखा हूं और मतलब रिसर्च किया हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके लिए काफी मुझे समय लगता है, काफी मेहनत लगता है, काफी एफर्ट लगता है। कोई भी एक जैसे कि आज समय टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी, आई मतलब मैं बताता हूँ, मतलब इसके लिए मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि मुझे पढ़ाने के साथ साथ मुझे भी बताना होता है कि क्वेश्चंस क्या आते हैं। आई हैव सीन द सो मेनी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस टाइप का आपको बताना चाहिए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके और आपको क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सब चीजें हम देख, मतलब हम सोच करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये एफर्ट मैं इतना जो लगाता हूँ, तो आप प्लीज इस एफर्ट को एक काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको हमेशा इतना रिलेवेंट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलता है। मैं जितना अच्छा कंटेंट आपको जितना देता हूं शायद ही कोई आपको दे पाएगा, ठीक है। जिस तरह का आपको पीडीएफ दिख रहा है, कितना अच्छा पीडीएफ आपको मैं बनाकर दिया हूं और प्योरली आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, ऐसा नहीं इसे पूरा पूरा डिटेल दिया। मैं जितना समराइज करता हूं और जितना इंपॉर्टेंट बनाता हूं, क्योंकि क्या है कि एक रेलिवेंट ही बनाना चाहिए, ज्यादा भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आपका चाहिए उतना ही आपको देना चाहिए, जितना आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उतना ही आपको आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी देख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है
जीएसटी इज अ टैक्स लिव्ड एट मल्टीपल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन विच टैक्स पेड ऑन इनपुट अलाउड अ सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्स पेबल ऑन। रुको 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 रुको, समझ आएगा समझ आएगा। देखो जीएसटी क्या है ना, एक वैल्यू एडिशन जब होता है अमाउंट में तो उसी पे जाकर के जीएसटी लगता है। आपको बेहतर समझ कब आएगा मैं आपको बताता हूँ। आप पहले एक काम करो, ये आप एग्जांपल देख लो, उसके बाद आपको जो थ्योरेटिकल है वो आपको समझ आ जाएगा। ओके, पहले आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरी समझा दूंगा। जैसे देखो कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर परचेस कर रहा है रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली बात है ना, कोई मैन्युफैक्चर करेगा तो वो रॉ मटेरियल परचेस करेगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल परचेस किया, ठीक है, तो उस टाइम जब वो रॉ मटेरियल परचेस किया था तो उस टाइम वो जीएसटी पेमेंट किया था 80 रुपया। ये आप ध्यान में रखो, जिस टाइम वो मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल परचेस किया था उस टाइम वो जीएसटी पेमेंट किया था 80 रुपया, ठीक है। और उस टाइम जो जीएसटी का जो रेट था वो था 12%, ये ध्यान रखो। मैन्युफैक्चरर जब परचेस किया रॉ मटेरियल तो उस टाइम पेमेंट किया जीएसटी 80 रुपया, रेट था जीएसटी का 12%, ध्यान रख लेना, ठीक है। आप देखो आगे, देखो मैन्युफैक्चरर फिर क्या किया, जब बना दिया गुड्स, ठीक है, तो वैसे पता ना सेल करेगा, जब वो सेल किया तो उसको 1000 रुपया में सेल कर रहा था, ठीक है, 1000 रुपया में सेल किया, उसके ऊपर वो 12% जीएसटी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो जीएसटी का जो रेट है वो 12% जीएसटी का रेट है। तो 12% का जब जीएसटी रेट लगाया तो यहाँ पे जो टोटल इसका इनवॉइस प्राइस जो बना, टैक्स इनवॉइस जो बना है इसका, ठीक है, टोटल प्राइस जो इसको बना वो बना 1120, ठीक है, 1120 बना, ठीक है, 1120 बना इसका टोटल इनवॉइस प्राइस। उसके बाद आप देख सकते हो जो इसका जो टैक्स पेबल है, टैक्स पेबल इसका कितना होगा, पहले से ये 80 रुपया दे चुका था, पहले से ये 80 रुपया दे चुका था। यही चीज तो है जो कि जीएसटी को काफी अच्छा बनाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहले टैक्स लग चुका है जहां पे उसके ऊपर फिर से टैक्स नहीं लगता है, जो सिर्फ वैल्यू एडिशन होता है उसी पे टैक्स लगता है। तो आपको समझ आ रहा है ना, वैल्यू एडिशन मतलब जी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है ना सिर्फ उसी पे टैक्स लग रहा है, ये चीज आप ध्यान में रखो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ रहा है, देखो पहले 80 रुपया दे चुका था टैक्स, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये एक्स्ट्रा कितना जीएसटी दे रहा है, एक्स्ट्रा मतलब टोटल यहाँ पे कितना जीएसटी दे रहा है, 120 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो पहले से कितना दे चुका था, पहले से 80 रुपये ही दे चुका था, ठीक है, पहले से 80 रुपये दे चुका था। तो टैक्स पेबल कितना आएगा इसको, देखो 120 रुपया अभी टैक्स इसके ऊपर आ रहा है और 80 रुपया ये पहले से दे चुका है, 80 रुपया पहले से दे चुका है। तो नेट टैक्स कितना आएगा इसके ऊपर, नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, कितना इसको देना है, कितना इसके ऊपर लाइबिलिटी आ रहा है टैक्स देने का, 40 रुपया, 40 रुपया आ रहा है ना, हाँ। तो ये हो गया आपको, यही हो रहा है, जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू एडिशन आएगा उससे ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और इसी को बोलते हैं आईटीसी, आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो मैन्युफैक्चर का समझ आ गया। देखिए कोई भी चीज जब प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास उसके बाद जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसके पास जाता है। पर जीएसटी में क्या होता है कि जो भी जो जीएसटी का जो मतलब जितना भी जो रेट लगता है और जितना भी जो उस पर टैक्स लगता है, जो फाइनल जो टैक्स अमाउंट जो कलेक्ट किया जाता है जीएसटी में, वो फाइनल कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है। आपको मैं पूरा ही बताता हूँ, आपको प्रॉपरली बेहतर समझ आ जाएगा। देखो मैन्युफैक्चरर जब सेल कर रहा है तो होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर 1000 में परचेस किया, ठीक है, 1000 में परचेस किया था, ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट रखा 500, उसके बाद सेल प्राइस किया, उसको बेचा 1500 में, जस्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर फिर ये 12% जीएसटी चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो 1680 रुपया आ रहा है, ठीक है, फिर इसको 1680 रुपया ये जीएसटी का रूप में 180 रुपया ये दे रहा है, ठीक है, मतलब ये कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जब वो बेच रहा था उस टाइम। तो उसके बाद देखो आप टैक्स पेबल, इसको ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितना आएगा, ये देखो 180 रुपया ये कलेक्ट किया जब जिस टाइम वो बेचा था, ठीक है, और 120 रुपया ये 120 रुपया ये पहले से दे चुका है, ठीक है, 120 रुपया ये पहले से दे चुका है, तो बचा कितना 60 रुपया, तो उन्हें टैक्स लाइबिलिटी 60 रुपया आ रहा है। इसी तरह से फिर देखो रिटेलर 1500 में खरीदा, 500 रुपये प्रॉफिट रख करके 2000 में बेचा, 240 रुपया ये जीएसटी लगाया अपने प्रोडक्ट के ऊपर और 2240 में सेल किया, टैक्स पेबल कितना आएगा, ये कितना रिटेलर को टैक्स देना पड़ेगा, देखो 240 रुपया ये टैक्स कलेक्ट किया, 240 रुपया ये पहले से 180 रुपया दे चुका था, 60 रुपया बचा नेट टैक्स लाइबिलिटी, तो इसको इतना लाइबिलिटी आएगा 60 रुपया देने का। जो फाइनल जो कंज्यूमर है इसी को तो पूरा बियर करना पड़ता है, 2000 रुपये में परचेस किया, 240 रुपया इसको देना पड़ा जीएसटी और 2240 इज द फाइनल जो प्राइस रहा है उसका, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको बेहतर समझ आया होगा। तो आप यहाँ पे देखो जो डेफिनेशन है, यहाँ पे जो है जीएसटी के बारे में जो लिखा है आपको प्रॉपरली बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, जीएसटी इज अ टैक्स, जीएसटी इज अ टैक्स लिव्ड एट मल्टीपल स्टेज, जैसा कि आप देखें
क्योंकि जीएसटी जो टैक्स है वो मल्टीपल स्टेजेस में लग रहा था, मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, होलसेलर के पास रिटेलर, रिटेलर के पास फाइनल कंज्यूमर जो परचेस कर रहा था, तो वहां तक जीएसटी लग रहा था। जीएसटी इज टैक्स लिव्ड एट मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन व्हिच टैक्स पेड ऑन इनपुट, जो टैक्स लग रहा था इनपुट में, ठीक है, जो इनपुट में जो परचेस कर रहे थे उस टाइम जो टैक्स लग रहा था इनपुट में, ठीक है, और अलाउड सेट ऑफ, उसको अलाउड कर रहे थे, उसको सेट ऑफ कर रहे थे ना, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर परचेस किया था पहले बार रॉ मटेरियल, तो वो जो जितना भी परचेस किया था उसके ऊपर जो जीएसटी लगा था, जब वो सेल कर रहा था मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, तो उसका सेट ऑफ कर रहा था ना, आपको समझ में आ रहा होगा, अब वो देख लो ना वो पिक्चर, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ करता है, ठीक है, ऑन आउटपुट, इन शॉर्ट वी कैन से जीएसटी इज चार्ज ऑन वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको बेहतर समझ आया होगा, समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोर्स परचेस करना है तो himansuclasses.in वेबसाइट पे विजिट करिए, कोर्सेस अवेलेबल देयर, ओके, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। आगे देख लेते हैं चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो टैक्स क्रेडिट मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमेशा मिलते रहता है हर एक चेन में, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, फिर कंज्यूमर। यहाँ पे देखो जीएसटी ऑफर कर रहा है कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स पॉइंट एंड सर्विस अप टू द रिटेलर, सेलर, रिटेलर लेवल या कंज्यूमर लेवल, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको पहले एग्जांपल बता दिया था, वो कितना इजीली समझ में आ गया, कितना इजी समझ में आ गया, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ इतना इजी से समझा सकूं आपको कि आपको बेहतर भी समझ में आ जाएगा, और आपको ये थोड़ा सा पिक्चर फॉर्मेट भी थोड़ा और भी दिया हुआ है तो और भी आपको बेहतर समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो जो बर्डन है जीएसटी में फाइनल कंज्यूमर को पड़ता है, बर्डन ऑन फाइनल कंज्यूमर, द फाइनल बर्डन ऑफ जीएसटी इज बोर्न बाय द कंज्यूमर एट इज चार्ज बाय द लास्ट सप्लायर विद सेट ऑफ बेनिफिट ऑफ प्रीवियस डेज, ओके, नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। देख लीजिए क्या बोलता है, द पास्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया हैज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड बोथ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू सच मल्टीपल taxes had been cascading effect of tax on tax and double taxation GST this assumes all these indirect taxes and this facilitates seamlessly flow of credit resolving the problem of double taxation cascading effect of taxes। मैं आपको बताता हूँ क्या बोलता है ये पूरा, क्या बोल रहा है, cascading effect of taxation हुआ करता था, जो भी पहले जो taxes था indirect taxes पहले जो था excise duty था VAT था services tax था, जिसमें cascading effect of taxation हुआ करता था। मैं बताता हूँ कैसे हुआ करता था, आप लोग तो रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो रेस्टोरेंट में जब जाते थे पहले जीएसटी आने के पहले, तो उसमें क्या होता था कि जब आप रेस्टोरेंट में खाने जाते थे तो आपको पता होगा कि जब आप खाने जा रहे थे जीएसटी मतलब जीएसटी आने के पहले का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो रहा था, जब आपको जो बिल उन लोग जो दे रहा था उस बिल में आप कभी आप देखे होंगे, तो पता नहीं देखे कि नहीं देखे, आपको पता होगा या नहीं होगा, बुकिंग वो तो पुराने बातें हैं, ठीक है, 2016 के पहले अगर आप कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो उसी टाइम का बात मैं बता रहा हूँ। उस टाइम क्या हुआ करता था, कुछ भी अगर आप परचेस कर रहे थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें देखो वो सर्विसेज जब आप जो भी वहाँ पे आपको जब आप खा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लोग आके सर्विस आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो उस ऊपर सर्विस टैक्स भी लग रहा था, और जो भी आप खा रहे हो पिज्जा बर्गर जो भी आप खा रहे हो तो उसके ऊपर जो पिज्जा बर्गर बना रहा है ना, जो पिज्जा बर्गर जो है वो एक रॉ मटेरियल से बनाया गया, ठीक है, वो भी एक गुड्स है, तो उसके ऊपर जो विथिन स्टेट से वो बनाया गया तो उस पर वैट भी चार्ज किया जा रहा था और उसके ऊपर सर्विस टैक्सेस भी चार्ज किया जा रहा था, तो ये सब डबल टैक्सेशन हुआ कर रहा था, तो इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को हटाया, कौन हटाया, जीएसटी आने के बाद। जीएसटी में क्या हो रहा है कि जीएसटी बस एक टैक्स है, जीएसटी 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 बस एक टैक्स है, ठीक है, पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करता था, इसमें क्या होता था कि पहले आईटीसी नहीं मिल पाता था, पर जीएसटी में क्या हो रहा है ना, एक लोग दूसरे लोग को बेच रहा है, फिर आगे वाला बेच रहा है, तो यहाँ पे आईटीसी मिलते जा रहा है जैसा कि आप देख चुके हो, ठीक है, तो ये सब बोलते हैं कि नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस है जीएसटी में। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो आप क्या बोलता है, जीएसटी जीएसटी एक क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस रिजीम, ओके ओके, यहां पर देख लो जीएसटी टैक्सेस टू बी सब्सूम्ड इन जीएसटी, जीएसटी आने के बाद कौन कौन सा टैक्स है जीएसटी का जो मतलब जीएसटी सब्सूम कर लिया, ठीक है, ऐसा टैक्सेस अब नहीं है, ठीक है, जीएसटी आने के बाद ऐसा टैक्सेस अब नहीं है, ऐसे पहले एक साइज हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था, सीबीटी मतलब सीवीडी सीवीडी ओके सीवीडी हुआ करता था, एस ए एस ए सी डी हुआ करता था, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था, सेस एंड सरचार्जेस हुआ करता था, एट स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे सब टैक्सेस हुआ करता था पहले, ठीक है, पर जीएसटी आने के बाद ऐसा टैक्सेस नहीं रहा, ठीक है, पर अभी भी क्या क्या है ना कि अभी भी कुछ कुछ ऐसा चीजें हैं जिस पे कि जीएसटी नहीं लगता, वो भी चीजें यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आप लोगों के लिए।
अगर आप मेरा क्लासेस कर लेते हो ना, तो यहाँ से बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपरली बेहतर क्लासेस करते हो, सभी क्लासेस करते हो, जीएसटी का तो पहले क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, पर इसके बाद मैं बहुत सारे क्लासेस लूंगा जीएसटी का, ठीक है। तो अगर पूरा आप सिलेबस कवरेज करते हो, इसके साथ साथ मेरा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो आपको टोटल सिलेबस कवरेज हो जाएगा, इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ आपको बिल्कुल प्रॉपर कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, ठीक है। मैं जो पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहता है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे जीएसटी, जीएसटी के अंदर अभी भी क्या क्या चीजें नहीं आता है, जीएसटी कौन कौन सी चीजें पे अभी भी टैक्स नहीं लगता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है वो जीएसटी उस पर नहीं लगता, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी है उस पर जीएसटी नहीं लगता। यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है, तो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा चीजें हैं जो कि जीएसटी के अंदर नहीं आता है। तो ये सब चीजें आप याद कर लेना, प्रॉपर्टी टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, अल्कोहल, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, तो ये सब चीजें पे जीएसटी नहीं आता। आगे देख लीजिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लीजिए क्या बोलता है, आर्टिकल 265, टैक्स नोट टू बी इम्पोज, टैक्सेस टैक्सेस नोट टू बी इम्पोज से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ओके। ये बस आपको याद रख लेना है आर्टिकल, अगर कभी कभी एमसीक्यू में देखने को मिल जाता है। आर्टिकल 245, एक्सटेंट ऑफ लॉ, एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कुछ भी एक लॉ है जो कि पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट भी बना रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर बना रहा है। 246 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 246, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय द, कोई भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ बना रहा है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, बस ये आर्टिकल और नाम याद कर लेना, ठीक है। एक और आर्टिकल आप यहाँ पे याद कर लेना, वहां पे मैं बता भी दिया था, आर्टिकल 279A, ठीक है, जो जो कि जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है, ओके। सो ये सब चीजें ध्यान में रखना। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 256 शेड्यूल 7, ओके। शेड्यूल 7 जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ये बताता है लिस्ट 1 बताता है यूनियन लिस्ट के बारे में, लिस्ट 2 जो बताता है वो बताता है स्टेट लिस्ट के बारे में, लिस्ट 3 बनाता है बताता है कंकरेंट लिस्ट के बारे में। जो लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट वो बताता है कि दिस लिस्ट इन्यूमरेट द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टू मेक लॉ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है इस सब चीजों के ऊपर लॉ बनाने का। दिस इन्यूमरेट द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ, किसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है, इनकम टैक्स, जो कि इनकम इनकम टैक्स को एंट्री नंबर 82 में रखा गया है, ठीक है, ये चीज याद रखना, एंट्री नंबर 82, कस्टम ड्यूटी 83, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, इसके ऊपर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, चाहे कस्टम ड्यूटी, ये सब चीजें हैं जो कि लिस्ट 1 में आता है, न्यू लिस्ट मतलब ये सब का जो पूरा मालिक है, मतलब बोल सकते हो, तो इसके ऊपर जो लॉ बनाता है वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, दिस लिस्ट इन्यूमरेट द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ, इसका एक्सक्लूसिव राइट जो है वो स्टेट के पास होता है, ठीक है, लॉ बनाने का, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, स्टेट एक्साइज, सो ये सब चीजें हैं आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो कंकरेंट लिस्ट है इसके पास, इसमें जो भी चीजें आता है इस पावर इसमें दोनों के पास है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों के पास है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों के पास है, जैसे कि जो फॉरेस्ट है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है कुछ भी लॉ बनाना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स का हायरार्की, जो टैक्स जो का जो हायरार्की होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो जीएसटी आया, तब जीएसटी आया तो 101वां अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो कैसे किया जाता है तो बताता हूँ, देखिए पहले क्या होता है कि सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन होता है, सर्कुलर निकाला जाता है, फिर उस पर नोटिफिकेशन निकाला जाता है, उसके बाद फिर रेगुलेशन बनाया जाता है, फिर रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, उसके बाद एक्ट बनाया जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिया जाता है। तो टैक्स हायरार्की है, जनरल चीजें हैं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी में जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है इंडिया में, जीएसटी का आपको पता होना चाहिए, इंडिया में जीएसटी है वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है इंडिया में, ओके। ए ड्यूअल जीएसटी विल कीप द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, जीएसटी इन इंडिया विल बी ड्यूअल जीएसटी मॉडल, ठीक है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल इंडिया में, ठीक है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल बोथ लेवी जीएसटी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इंट्रा स्टेट अगर आप करते हो कुछ भी सेल या फिर सप्लाई, कुछ भी सेल मतलब सप्लाई ही होता है, ठीक है, सप्लाई एक टर्मिनोलॉजी है जो कि सेल करते हो या कुछ भी करते हो उसको सप्लाई बोला जाता है जीएसटी में, ठीक है। तो टर्म डस
अगर आप इंटरेस्टेड कर रहे हो तो SGST या फिर UTGST लग रहा है, फिर आपको CGST लगता है, ठीक है। हाउ एवर चार्जेबिलिटी डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट एंड टैक्सेबल पर्सन मेजर वाइल इंक्लूडिंग वैल्यूएशन प्रोविजंस बेसिक क्लासिफिकेशन, ये आप देख लो यहां से आपको समझ आ जाएगा। जो सेक्शन 7 है ना IGST एक्ट 2017 का, वो IGST के बारे में बताता है। IGST मींस कि क्या हो रहा है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ भी सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि कोई भी लोग पटना का है, ठीक है, पटना का है, वो बेच रहा है कोलकाता में जाकर के, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे टू स्टेट आ रहे हैं, ठीक है, टू स्टेट आ रहे हैं, तो यहाँ पे IGST लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 8 है IGST एक्ट 2017 इंट्रा स्टेट कोई भी लोग पटना का है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये पटना ही सिटी में ही दो सिटी में, जैसे कि एक मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर से अगर वो बेच रहा है, दूसरा सिटी है भागलपुर, तो विथ इन स्टेट वो बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लो, आपको बेहतर समझ आएगा, जैसे कि CGST और SGST UTGST, ठीक है, विथ इन स्टेट अगर सेल कर रहा है, ठीक है, तो CGST SGST लगेगा, फिर यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST लगेगा, ठीक है, और इंटर स्टेट कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट कर रहा है तो IGST लगेगा। और इसका जो रेवेन्यू होता है वो कौन कलेक्ट करता है, CGST का कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, SGST का स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, UTGST का जो भी है यूनियन टेरिटरी और गवर्नमेंट का जो भी है वो कलेक्ट करेगा, IGST का सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का और स्टेट और जो भी SGST है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये IGST में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा टैक्स कलेक्ट कर लेता है, IGST में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेता है, पर बाद में जो स्टेट को मिलना चाहिए उसको भी दे देता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांसफर। इंटर स्टेट ट्रांसफर मीन सेक्शन 7 ऑफ IGST 2017, ये बोलता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सेल कर रहे हो, ठीक है, यह क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट उसमें क्या हो रहा है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, जो लोकेशन का जो सप्लायर का लोकेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, आर इन टू डिफरेंट स्टेट। सप्लायर का जो लोकेशन है, सप्लायर का लोकेशन है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सप्लायर है पटना का, ठीक है, सप्लायर है पटना का और प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है पटना का, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो रहा है वो हो रहा है कोलकाता में, जैसे कि मैं आपको बताया था पहले एग्जाम्पल में, तो उसमें क्या हो रहा था कि दो स्टेट में यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग स्टेट का है और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट का, तो यहाँ पे टू डिफरेंट स्टेट आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो फिर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है या फिर ए स्टेट या यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, तो इंटर स्टेट सप्लाई इसको बोला जाएगा, और इसके ऊपर CGST और SGST लगेगा, ठीक है, इसके ऊपर CGST, यानी एक स्टेट से दूसरा स्टेट बेचना, तो यहाँ पे IGST लगेगा, IGST लगेगा, ठीक है, IGST लगेगा। विथ इन स्टेट करते हैं तो CGST SGST लगता है, और ये एक स्टेट से दूसरा स्टेट बेचना है तो यहाँ पे IGST लगेगा। आप यहाँ पे देखो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर जब कर रहा है सेक्शन 8, इसमें क्या हो रहा है कि विथ इन स्टेट सेल कर रहा है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मुजफ्फरपुर है एक सिटी है मतलब बिहार में, और वहां से बेच रहा है भागलपुर, भागलपुर भी एक सिटी है, तो यहाँ पे बेच रहा है विथ इन स्टेट बेच रहा है, तो ये फिर है आ जा रहा है, यहाँ पे CGST SGST लगेगा, CGST और SGST लगेगा, ठीक है। ये बोलता है कि इंटर स्टेट कोई भी अगर विथ इन सेम स्टेट या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में अगर बेच रहे हो तो इंटर स्टेट लगता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दे चुका हूँ, यहाँ पे आप देख लो, पढ़ लिया आपको समझ आ जाएगा। मिस्टर पी है जो कि गुजरात का है, ठीक है, वो बेच रहा है प्रोडक्ट एक्स, बेच रहा है 300 रुपया में, किसको बेच रहा है, मिस्टर क्यू के, जो कि महाराष्ट्र का है, मिस्टर पी है, ठीक है, वो गुजरात का है, क्यू है महाराष्ट्र का, ठीक है। फिर मिस्टर क्यू जो है ना वो बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, किसको सप्लाई कर रहा है, आर को सप्लाई कर रहा है, वो कहाँ का है, वो भी महाराष्ट्र का ही है, 400 रुपये बेच रहा है, रेट कितना है GST का 18%। आप देख लो यहाँ पे मिस्टर जो पी है वो बेचा था महाराष्ट्र वाले पर्सन क्यू को, वो 300 रुपये में बेचा था, 18% GST था, 354 रुपया लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 54 रुपये जो ला रहा है वो IGST लगेगा, क्योंकि गुजरात अलग स्टेट है और यहाँ पे जो महाराष्ट्र है वो अलग स्टेट है, ठीक है, तो गुजरात महाराष्ट्र अलग स्टेट है, तो यहाँ पे IGST लगेगा। ओके, तो टोटल आपका इनवॉइस प्राइस यहाँ पे देखो इतना आ रहा है, और ये जो महाराष्ट्र जो क्यू यहाँ पे जो क्यू है ना महाराष्ट्र का ही है, ठीक है, वो सप्लाई कर रहा है आगे जाकर के, फिर से आर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो भी महाराष्ट्र का ही है, तो विद इन द स्टेट इन लोग
सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो विदिन अ स्टेट अगर सप्लाई होता है तो वहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब सीजीएसटी एचजीएसटी लगा तो ऐसी बात है यहाँ पे जो रेट लगेगा 9-9% हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ आईएसजीएसटी तो 18% और अगर यहाँ पे सीजीएसटी एचजीएसटी लगता है तो यहाँ पे 9-9% करके हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टोटल इतना आ रहा है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको होप्स हो कि आपको बेहतर समझ आया होगा, आज का क्लास आपको बेहतर समझ में आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट है रेलवे ट्रेनिंग, सबसे अच्छा कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलता है, हमेशा मिलता रहेगा। कोर्स परचेस करिए, आज ही जाकर के विजिट करिए himansoinclasses.in पे, ठीक है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोर्सेस परचेस करिए। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन himansoinclasses.in पे विजिट करिए। MCQ अवेलेबल एट ओनली ₹500 एंड फुल कोर्स अवेलेबल एट ओनली ₹999। आपको जो परचेस करना है परचेस करिए, पर प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो आज वीडियो यहां तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। सो थैंक यू।